हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपके ईमेल एड्रेस पे भी कुछ इस तरह का मेल आया होगा जिस पे लिखा है बिग चेंजेस टू टीम क्रिएशन आर कमिंग सून। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि अब से आप जो है 4 विकेटकीपर, 3 से लेके 6 बैट्समैन, 1 से लेके 4 ऑलराउंडर और 3 से लेके 6 बॉलर्स को पिक कर सकते हो अपने ड्रीम 11 टीम में। लेकिन ये कब से चालू होने वाला है? ये चालू होने वाला है May 24 से। तो ये लगभग 2 से लेके 3 दिन बाद से जो है टीम जो है इस तरह से आप बना सकते हो। ड्रीम 11 जो है एक अपडेट देगा, उस अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स के बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप पहले वाला पॉइंट सिस्टम आपको ज़्यादा पसंद है, पहले वाला का टीम सिलेक्शन आपको अगर ज़्यादा पसंद है, तो आप हाला प्ले खेल सकते हो, MPL खेल सकते हो और माई टीम 11 खेल सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, सारे में आपको लगभग 50 से लेके 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा, उसको आप 100% यूज़ कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है जो कि बहुत ही नया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। टॉस के बाद मैं वहाँ पर टीम अपडेट करता हूँ और बहुत सारी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो नया पॉइंट सिस्टम आने वाला है इसके बारे में। इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर कौन है, क्या क्या आप पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं। ये जो है लगभग 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो वर्ल्ड कप जो है 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो पॉसिबली जो है वर्ल्ड कप के लिए ही जो है ये अपडेट आई हुई है। और ड्रीम 11 जो है रेगुलर जो है लगभग 1 ईयर से, IPL से पहले भी इन्होंने जो है डेडलाइन चेंज की थी, जो कि प्लेइंग 11 आने से पहले की डेडलाइन थी। अब जो है आप मैच शुरू होने से पहले तक जो है टीम चेंजेस कर सकते हो। तो ड्रीम 11 को भी पता है कि चेंज करना सही, चेंज अगर आप नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। आपको अपनी एप्लीकेशन में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस लाने चाहिए और कुछ अलग सा जो है ट्राई करना चाहिए जो अदर फैंटेसी साइड नहीं करती। अदर फैंटेसी साइड में जो है ड्रीम 11 सबको पता है लीड कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे आप कह सकते हो माई टीम 11 है, और थर्ड पोजीशन पे शायद HalaPlay और फोर्थ पे शायद प्लेयर स्पॉट या फिर अदर सो एप्लीकेशन हैं। तो लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस जैसे कि आपको पता है, आप पहले 1 विकेट कीपर ले सकते थे, अब आप जो है 4 विकेट कीपर अपने टीम में पिक कर सकते हो। लेकिन कोई भी 4 विकेट कीपर पिक नहीं करेगा अगर 4 अपडेट देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 2 ही करते तो काफ़ी था, क्योंकि आप 3 भी विकेट कीपर कभी पिक नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, तो ही आप 4 विकेट कीपर पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने टॉप विकेट कीपर की लिस्ट दिया हुआ है। अगर सारे के सारे विकेट कीपर, जो कि बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो अभी विकेट की भी नहीं करते हैं, जैसे कि आप बेस्टो को देख लीजिए, वो विकेट की भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कुशल परे मेंडिस जो विकेट की भी नहीं करते, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि विकेट की भी नहीं करते हैं आजकल। तो वो भी शायद आप जो है विकेट कीपर सेक्शन पर भी आ सकते थे, जो कि पहले बैटिंग की कैटेगरी में आते थे। और आगे वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इससे जो है ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हो या और ज़्यादा टफ होगी। तो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करके जाना, और आप क्या सोचते हो इस बारे में नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात कर लिया हमने विकेट कीपर की, विकेट कीपर के बाद आते हैं हम लोग बैट्समैन पे। तो 6 बैट्समैन पिक करना एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लैंड के जो पिच है, अगर आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो है बैट्समैन ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट दे रहे हैं। तो 6 बैट्समैन अगर आप लोग पिक करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी टीम बनाने में। वहीं पे बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर मैच टू मैच जो है बहुत ही कम मैचेस पे हमें ऐसा लगता है कि काश हम 4 ऑलराउंडर पिक कर पाते, तो ये भी एक अच्छी मूव है। और बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स आप 3 से लेके 6 ले सकते थे, पहले आप 3 से लेके 5 बॉलर तक ले सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो कोई बहुत ही जो ग्रैंड लीग खेलते हैं, 6 टीम लगाते हैं, वही सिर्फ 5 बॉलर पिक करते हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम हम जो पिक करते हैं वो 4 बॉलर्स ही करते हैं। और हम लोग, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो है अपडेट आने के बाद भी 6 बॉलर कोई भी पिक नहीं करने वाले अपनी टीम में।
पहले अब न्यू कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह की आने वाली है। अगर इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो जिस तरह का इंग्लैंड का पिच है, तो यहाँ पे आप वन विकेट कीपर लोगे जो ज़्यादा ऊपर बैटिंग करने आएगा। उसके बाद हम लोग बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पे आप, हालांकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पे आप 6 बैट्समैन तक ले सकते हो। ज़्यादातर टीम में आपको यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा अपडेट आने के बाद, 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर ही। एक ड्रीम 11 ने कंफर्म नहीं किया है कि आप 11 प्लेयर ही चूज़ कर सकते हो या फिर 11 से यहाँ पे आप ज़्यादा प्लेयर भी चूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्लेयर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लेयर देंगे तो इंटरेस्ट बहुत ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 11 प्लेयर लगभग कंफर्म है। आपको 50% प्लेयर चूज़ करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है चीज़ है। और मुझे नहीं लगता 11 प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर जो है वो लोग जो है चेंज करने वाले हैं। अब पुरानी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह की होती थी, एक विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर, या फिर एक विकेट कीपर, 5 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। ज़्यादातर हम लोग 3 या 4 बॉलर ही लेते थे किसी किसी मैच पे। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कौन कौन जो है टॉप विकेट कीपर बैट्समैन जो कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए MS धोनी है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। वहीं पे यहाँ पे दिनेश कार्तिक है, जॉनी बेस्टो है, जॉस बटलर है। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्विंटन डिकॉक, अहमद शहजाद, मुस्तफिजुर रहीम, टॉम लेथम, कुशाल मेंडिस, कुशाल परेरा, अहमद शहजाद और एलेक्स कैरी। ये कुछ जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ टॉप टॉप बैट्समैन का ही नाम लिया है। जैसे कि इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस या फिर आप कह सकते हो डेंजरस प्लेयर है यहाँ पे बटलर। अगर आप इंडिया और इंग्लैंड का अगर मैच हो तो आप बटलर को भी ले सकते हैं, अब और MS धोनी को भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि 99 मैचेस पे ड्रीम 11 के सिर्फ एक ही विकेट कीपर जो है अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत ही ऐसा कम मैच है, 1% मैच ऐसा है जिसपे जो है दोनों विकेट कीपर रन करते हैं। बहुत ही रेयर मैचेस होती है जिसपे दोनों विकेट कीपर रन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैचेस पे जो है एक ही विकेट कीपर अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो MS धोनी या फिर जॉस बटलर ही क्यों ना हो। तो लेकिन आप आपसे जो है MS धोनी और जॉस बटलर या फिर यहाँ तक जॉनी बेस्टो अगर विकेट कीपर सेशन में होते हैं तो आप तीनों को ही चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डिकॉक एक अच्छे विकेट कीपर है, सरफराज ने भी लास्ट मैच पे आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक जो आपको पता होगा कि लास्ट जो सीरीज़ हुआ था जिसमें मुस्तफिजुर रहीम एक तरफ से विकेट कीपिंग कर रहे थे जो कि अच्छी खासी रन कर रहे थे, और एक और बैट्समैन जो है साई होप, एक मिनट मैंने यहाँ पे साई होप का नाम नहीं दिया वो। सो मुस्तफिजुर रहीम भी एक तरफ से रन कर रहे थे और यहाँ पे एक तरफ से साई होप भी रन कर रहे थे। तो अगर ये अपडेट अगर पहले आ जाता तो आप दोनों को ही पिक कर सकते थे, लेकिन आप जो आप पिक कर सकते हो और आप अच्छा खासा विन कर सकते हो। लेकिन ग्रैंड लीग की बात करें तो ये बहुत ही, जो मैंने बहुत ही सोचा इसके बारे में और मैंने डीपली एनालाइज किया और मुझे ये पता चला है कि ग्रैंड लीग विनिंग करने के चांसेस आपके जो है 3% जो है कम हो जाएंगे। आपको ग्रैंड लीग अब जो है आप अगर जितना भी विन करते थे आपके विनिंग करने के चांसेस जो है 3% लेस होंगे, क्योंकि पहले कंपटीशन किया था आप सिर्फ एक ही विकेट कीपर ले सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप 50% चांसेस आपके पास रहते थे कि आप अच्छा विकेट जो विकेट कीपर रन करेंगे आप वही ले सकते हो आप। लेकिन अब जब 4 आप ले सकते हो तो मिनिमम आपके पास ये 50 से लेके मेरे हिसाब से ये 25% पे यहाँ पे आप हार जाते हो। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि आप ग्रैंड लीग जीतोगे। वहीं पे बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स, तो सारी कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ने वाला है ग्रैंड लीग में। और आप अब इस बार जो है परफेक्ट टीम बनाओगे तो ही आप जो है यहाँ पे ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के बारे में। स्मॉल लीग आप अगर जीतते हो तो आप हाई पॉइंट से जीतोगे, यानी ज़्यादा पॉइंट से जीतोगे, और हारोगे तो भी आपसे जो है हाई पॉइंट से हारोगे। बहुत ही क्लोज मैच इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि विकेट कीपर सेशन, वो बैट्समैन के सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बार जो है क्लोज मैच बहुत ही कम होने वाला है। हम लोग देख रहे थे पहले जो है हम लोग ज़्यादातर टीम क्रैश हो जाती थी, हम लोग जो है ज़्यादातर सेम मैच ही लगाते थे। अगर एक प्लेयर अगर डिफरेंट होता है तो हम उस प्लेयर को जो है अगर सेम पॉइंट करता है तो रैंक जो है क्लैश हो जाती है और हम लोग जो है डिवाइड कर लेते हैं विनिंग अमाउंट। लेकिन इस बार ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और आप जो है
स्मॉल लीग में या फिर ग्रैंड लीग में तो जीतने के चांसेस कम हैं, और स्मॉल लीग में जो है आप जो इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा पॉइंट से हारने वाले हो। अगर आप हारते हो और जीतने वाले हो तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट से जीतोगे, और कंपटीशन जो है थोड़ा बहुत जो है बढ़ जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत ही दिमाग लगा के आपसे आपको टीम चूज़ करना होगा, क्योंकि विकेट कीपर जो सेक्शन का जो 4 विकेट कीपर दिया है वो बिल्कुल आपका जो है दिमाग ख़राब करने वाली है। अब बात कर लेते हैं आप कैसे इस पॉइंट सिस्टम को क्रैक कर सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने लास्ट में रखा क्योंकि आप लोग को ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन देना था, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता इस बार मैं आपको ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ कैसे आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इस ये बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। तो नॉर्मली आप मेरे हिसाब से आप एक ही विकेट की बार पिक करना, ठीक है, जो ज़्यादा ऊपर बैटिंग करने आता हो। अगर जैसे कि अगर इंडिया विशेष अगर समझ लीजिए बांग्लादेश का मैच हो रहा है तो आप मुस्ताफिजर को ही लोगे, ठीक है, आप एम एस धोनी को नहीं लोगे, क्योंकि एम एस धोनी को चांसेस बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एम एस धोनी को बैटिंग करने का मौका ना भी मिले। तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे इंग्लैंड और बांग्लादेश के अगर मैच होता है तो जॉस बटलर अगर बैटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल उड़ा देंगे बांग्लादेश को, तो जॉस बटलर को आप ले सकते हो, साथ ही साथ आप मुस्ताफिजुर रहीम को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप 2 विकेटकीपर बैट्समैन के साथ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको 6 बैट्समैन के साथ जाना चाहिए या नहीं। अगर मेरी माने तो इंग्लैंड की प्लेयर जो बैटिंग पिच है वो बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप मैक्सिमम 4 से लेकर 5 बैट्समैन के साथ जाइए, लेकिन उसमें से अगर 2 ऑलराउंडर के कैटेगरी में है तो आप ऑलराउंडर के साथ जाइए, आपको बैट्समैन के 6 बैट्समैन के साथ नहीं जाना चाहिए। 6 बैट्समैन बहुत ही हाई रिस्क हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलराउंडर आपको कुछ बॉलिंग ओवर भी देंगे जिससे आप जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है अर्न कर सकते हो। बात कर लेते हैं बैट्समैन बॉलर्स की, तो बॉलर्स मुझे नहीं लगता आप किसी भी टीम में 6 बॉलर पिक करोगे, मुझे भी पता है आपको भी पता है, और शायद ये चीज़ ड्रीम 11 को शायद नहीं पता होगी, 6 बॉलर का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम 5 बॉलर्स पिक करते हैं, रेगुलर हम लोग 3 बॉलर्स पिक करते हैं और नॉर्मली हम लोग 4 बॉलर पिक करते हैं। तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, हमेशा आपको आपसे पिच में जो है पिच रिपोर्ट देखने के बाद आपको टीम बनानी होगी। और ड्रीम 11 से मैं बस अब एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने सभी चीज़ लगभग अच्छी अपडेट की है, हालांकि मुझे ये वाला अपडेट उतना पसंद नहीं आया, लेकिन आप अपनी पॉइंट सिस्टम में ज़रूर अपडेट करना, क्योंकि अगर कोई प्लेयर अगर 20 पॉइंट से भी आपसे पीछे चल रहा हो तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो आपको जो है ओवरटेक कर सके। तो आप अपने पॉइंट सिस्टम में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस करना, तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा मैच खेलने में ड्रीम 11 पे। बाकी जो ये पॉइंट सिस्टम है आपको आपसे जो है बिल्कुल पिच रिपोर्ट देख के ही आपको सिर्फ और सिर्फ टीम चूज़ करना है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आप 5 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, और बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आप 3 और 4 यानी 3 ऑलराउंडर और 4 बैट्समैन के साथ जा सकते हो। ज़्यादा फर्क आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोग जैसे टीम बनाते थे वैसे ही टीम बनाएंगे। और होप करता हूँ आपको मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स अच्छे से बताई है, तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।